मैं मोहम्मद मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। वीडियो का टाइटल शेप इन इंडियन मार्केट यूएई फूड प्राइस। यूएई में इंडियन की मार्केट ख्यार देखते हैं भाई वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है। जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पे लिखा है मेड इन इंडिया और इसकी कीमत है तकरीबन 10 दिरहम, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है? ये 30 दिरहम का क्या? 30 दिरहम पैकेट, पूरा पैकेट ठीक है। इसमें कितने? 12 पीस है, 30 दिरहम का। इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था ये हिमालया ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन यूएई, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला। ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है? 13 दिरहम। 13 दिरहम है। पाकिस्तान में आम को नहीं मिलते। अच्छा, इधर देखो 2.5 रुपया दिरहम है। 2.5 रुपए के दिरहम, हाँ जी। ये तकरीबन 150 का, डेढ़ सौ 170-180 के राउंड अबाउट। ये केले की क्या कीमत है? केले 3.75 दिरहम, ये तकरीबन 200 का बनता है। 200 का बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ, पाकिस्तान में 200 रुपए दर्जन केले मिलते हैं, लेकिन ये केले आपको 200 दर्जन कभी नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, कम अज कम 350 के राउंड अबाउट दर्जन मिलेंगे। ये चावल किधर से है और इसकी ये किस तरह? ये 7 रुपए केजी है। 7 रुपए केजी, यानी ये कितने का, कितने का बना? पाकिस्तानी कितने रुपए हुए जी? 500 के राउंड अबाउट हुआ। खान साहब ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आया। इंडिया से आया। अच्छा, अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, इंडिया से आ रहा चावल, आलू की कीमत क्या है? 2 रुपए, ठीक हो गया। 2 रुपए नहीं, 2 दिरहम बोलेंगे। सब्जी भी फ्रेश आता है, एक जगह में सफाई नहीं करता, इधर सफाई है, पूरा चीज सफाई है, ठीक हो गया। आप बेसिकली कहाँ से हैं? ना, आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर? मैं ईरानी है। ईरान से? नहीं भाई, हम अभी आपको देख के इधर पहचान गए कि अरे हम तो आपके YouTube में देखते थे। इधर तो एक एक दिरहम के लिए, मैंने यहाँ पे 8-9 दिन हो चुके हैं मैं मौजूद हूँ, एक एक दिरहम के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। पहले पहले जब हम आए थे तो क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ। ऐसे कैसे रहे जी? लेकिन घर वालों को नहीं आप बताते? नहीं नहीं नहीं, घर वाले को ऐसे नहीं जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पहले हम इंडिया पाकिस्तान में फूड प्राइस कंपैरिजन करते रहे, सब्जियों की कीमतों का थोड़ा कंपैरिजन करते रहे, लेकिन आज हम यूएई की स्टेट अबू धाबी में मौजूद है और यहाँ पे एक सुपर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे ऑयल की क्या कीमत है, सब्जी की क्या कीमत है, मछली की क्या कीमत है, ड्राई फ्रूट की क्या कीमत है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ये भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल जब्बार अहमद। अब्दुल जब्बार भाई, आप यहाँ के वैसे तो बेसिकली पाकिस्तान से हैं, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, थोड़ा सा कीमतों का हमें बताइएगा कि ये कितने दिरहम का है और जो भी चीजें हैं थोड़ा बताइएगा। 20 दिरहम का ऑयल है, 4 केजी है, 20 दिरहम का है, 4 केजी। और ये पाकिस्तान में तकरीबन ये एक जो लीटर है ये तकरीबन 500 से 600 राउंड अबाउट होता है, यानी कि 4 केजी हो गया 6 बार 2400 का ऑयल पाकिस्तान में मिलेगा। और आप लोग भी जहां से देख रहे हैं, जिस कंट्री से, जिस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा कि 4 केजी आपके वहां पे यही चीज कितने की मिलेगी। आइए, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां जो कि हम देखेंगे और उन, हाँ ये अंडों की, बल्कि अंडों की ये कितने? ये 30 अंडे हैं। अच्छा, ये 16 दिरहम का है। 16 दिरहम का तकरीबन ये पड़ा हमें पाकिस्तान 13-1400 का राउंड अबाउट कर रहे हैं। दिरहम की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, पाकिस्तानी 13-1400 का, इंडिया में तकरीबन 400 के राउंड अबाउट 30 अंडे, ये पाकिस्तानी तकरीबन 1300 के राउंड अबाउट। और सब्जियों की कीमतें मैं देख रहा था, मैं हैरान हुआ, ये आप लोगों ने जरूर बताना है। मैंने जो चीज नोट किया, मुझे ऐसा लगता है उतनी सस्ती सब्जियां, उतने सस्ते जो फल हैं वो इंडिया पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे जितने यूएई में मौजूद होंगे, लेकिन आपने बताना है कीमतों के हवाले से। अच्छा, ये सेब है, ये कितने? 10 दिरहम तकरीबन पाकिस्तानी 750-800 के राउंड अबाउट। और ये कितने केजी है? 4 केजी होगा, 3-4 केजी। अच्छा, ये इधर ये सिस्टम नहीं है, किसी ने 1 केजी लेना हो, किसी ने 1/2 केजी लेना हो, मिलता है, हर चीज मिलता है। अच्छा, ये मछली, अच्छा मछली की आप देखें साइज चेक करें, कितना
बड़ा बड़ा साइज है इस मछली का। और ये कितने रुपए केजी ले? 8-9 रुपए केजी होगा। 8-9 दिरहम, रुपए नहीं, दिरहम। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी मौजूद है, यहाँ पे ये चीज मौजूद है, पीसीज बकायदा करके रखे गए। और दूसरे नंबर पे हम अपने जो कंट्री की मार्केट देखते हैं वहाँ पे आपको जो चीजें मिलती हैं वो शायद इस तरीके से पैकिंग के साथ नहीं मिलती, इन्होंने बकायदा पैक करके रखी है। ठीक है, ये आप क्या कहेंगे, ये जो इसकी कीमत है तरबूज की, ये 4 बैग है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा है। 2.25 रुपए फिल सके जी, 2 रुपए यानी तकरीबन 150 रुपए पाकिस्तानी, 150 रुपए पर केजी यहाँ पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा महंगा है, बाकी चीजें बड़ी मुझे सस्ती लग रही है। खास तौर पे अंगूर मैं देख के हैरान हुआ, ये बड़े सस्ते यहाँ पे मिल रहे हैं और बड़े फ्रेश। और पैकिंग चेक करें आप, क्या बात है, जबरदस्त किस्म की पैकिंग है। ये कितने का है और ये इधर आप बताइएगा? ये 2.5 दिरहम का, ये 2.5 दिरहम का पाकिस्तानी, तकरीबन 150 का। हाँ हाँ, तकरीबन 150 का, और इंडिया में तकरीबन ये 70 के राउंड अबाउट, 60-70। ठीक हो गया। अच्छा आए जी, और भी यहाँ पे जो चीजें हैं मौजूद है, माल्टा किस रहे? 2.75 केजी मिलेगा, पर केजी मिलेगा, और इसमें राउंड अबाउट आ जाते हैं 8-9 पीस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आए आगे सब्जियां हैं उधर भी, वो देखते हैं। ठीक है, बैंगन किस तरह जी? 4 रुपए केजी। और साथ ये मौजूद है 4 रुपए केजी, मतलब ये 350 के राउंड अबाउट होगा। और ये गाजर देखें, गाजर का एक तो कलर देखें, और कितने रुपए की केजी है? 3 रुपए केजी। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वहाँ पे भी। अच्छा सब्जियों का मैं नोट कर रहा हूँ, सब्जियों की कीमत वही है लेकिन फ्रूट यहाँ पे सस्ता है। सब्जी रेट वही है लेकिन अच्छी साफ सुथरी, हाँ साफ सुथरी है, क्वालिटी हमको उधर नहीं ऐसे मिलेगी चीज। ठीक है, आप जहाँ से देख रहे हैं आप बताइएगा, आपको वहाँ से ऐसी साफ सुथरी सब्जी मिलती है? अच्छा एक चीज मैंने भाई नोट की है कि यहाँ पे इस मार्केट में शायद सस्ती है, बाकी यूएई की दूसरी मार्केट्स में शायद महंगी होगी। आप इस... इधर सस्ती, मैं 2-3 साल से इधर से इस्तेमाल लेकर जाता, तो इसकी क्या रीजन है, मतलब इस मार्केट में? मार्केट में ऐसी सब्जी नहीं मिलती फ्रेश। ठीक है, यहाँ पे जो शॉपकीपर है उनसे भी अगर वो बात करना चाहे, उनसे पूछेंगे कि भाई दूसरी मार्केट में। हेलो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, ये जो कीमतें हैं यहाँ पे, ये दूसरी तमाम मार्केट्स में भी यही कीमतें हैं या थोड़ा फर्क है? नहीं थोड़ा फर्क है, लाजम फर्क है, ज्यादा फर्क है। क्या वजह उसकी, यहाँ पे सस्ती क्या? सब्जी भी फ्रेश आता है, एक जगह में सफाई नहीं करता, इधर सफाई है, पूरा चीज सफाई है। ठीक हो गया, आप बेसिकली कहाँ से हैं? ना आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर? नहीं ईरानी है, ईरान। और यहाँ पे समझ लें ग्लोबल विलेज सा माहौल है, यहाँ पे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ पे इंडिया से, ईरान से, नेपाल से, फिलिपाइन से, मतलब बहुत सी कंट्री से। हेलो कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम? अनवर खान। अनवर खान पाकिस्तान से होंगे, पिशावर से होंगे, वजीरिस्तान से होंगे। ये ऐसी सब्जियाँ, ऐसा ये सब, क्योंकि हमारा भी तो एक ज़राई कंट्री है ना पाकिस्तान, ये वहाँ पे ऐसे मिलती है? नहीं इधर सफाई ज्यादा है, सफाई के और मार्केट सस्ती भी, सस्ता भी, और मार्केट में लिखे आता है, ऐसा डालता है, हम सफाई करते हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, ये मतलब अगर यूएई की बात करें, ज्यादा रेत वाला एरिया है, उस तरीके से ये जरखेज एरिया नहीं है, यहाँ पे सब्जियां सस्ती मिल सकती हैं, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल सकती? क्या आप खान साहब क्या समझते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छी फसल होती है या पाकिस्तान में? नहीं पाकिस्तान में, तो फिर वहाँ पे क्यों महंगी चीजें? अच्छी चीज उधर से इधर सारी आ जाती है। हाँ उधर से अच्छी चीज सारी इधर आ जाती है। ठीक हो गया, ये चीज तो मैं पहले से जानता हूँ कि जो ए क्वालिटी होती है, खास तौर पे अगर माल्टे की बात करें, किन्नू की फ्रूट की बात करें, मैंगो की बात करें, ए क्वालिटी का मैंगो या फल जो है वो पाकिस्तान से या इधर आ जाता है, और हमें वहाँ पे वो चीज खाने को नहीं मिलती, और यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। आलू की कीमत क्या है? 2 रुपए। 2 रुपए। ठीक हो गया, 2 रुपए नहीं, 2 दिरहम बोलेंगे, तकरीबन 150 का। ठीक हो गया, और आलू ये मेरे ख्याल से ईरानी आलू है, जो मैं कलर से आइडिया लगा रहा हूँ, किधर का आलू है ये? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है? ठीक है, पाकिस्तान का है। ये सब सब्जियाँ पाकिस्तान से? ये आलू पाकिस्तान का है। ठीक है, माल्टा पाकिस्तान का है। ठीक है, इंडिया से कौन सी सब्जी आती है? ये क्या चीज है? प्याज आता है, प्याज इंडिया से आता है। ठीक हो गया, प्याज की क्या कीमत? 5.5 रुपए। अभी ये पाकिस्तान का ये प्याज। ठीक हो गया, अच्छा पाकिस्तान का प्याज की ये वजह है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्वालिटी टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन पाकिस्तान में ईरान का प्याज बिक रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान का बिक रहा है। हाँ। ये साइंस नहीं मुझे समझ आई। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर ईरान का प्याज ऐसे ही है, वो सस्ता है, इधर उधर खा लेते हैं, यहाँ पे भेज देते ऐसे ही। आगे टमाटर की कीमत देखते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म के टमाटर है ये देखे। ऐसे टमाटर हमको उधर नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में हमको नहीं मिलते। अच्छा इधर देखो 2.5 रुपए दिरहम है। 2.5 रुपए के दिरहम, हाँ जी, ये तकरीबन 150 का। हाँ
150-170-180 के राउंड अबाउट। ये केले की क्या कीमत है? केले 375 दिरहम, तकरीबन 200 का बनता है। 200 का बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ, पाकिस्तान में 200 रुपए दर्जन केले मिलते हैं, लेकिन ये केले आपको 200 दर्जन कभी नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, कम से कम 350 के राउंड अबाउट दर्जन मिलेंगे। और माल ये देखें जी, ये कितने जबरदस्त किस्म के मौसमी है। और ये किधर का है? मिस्र का। मिस्र का है, जबरदस्त। और ये केला? ये चाइना के, चाइना के केला है, ठीक हो गया। ये बंद गोभी मौजूद है? दो दिरहम। मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब है, बहुत सही है। पाकिस्तान में बड़ी महंगी है ये। और ये प्याज है? ये प्याज व्हाइट प्याज है। ये प्याज कौन सी क्वालिटी है जी? इसका आइडिया नहीं है, कौन सेकेंडरी। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट वाला सेशन आया है, वहाँ पे हम देखते हैं ये। अच्छा, दालें बताए, दालें? ये दाल, दाल मसूर, 6 रुपए का है। 6 रुपए, 6 दिरहम का, दिरहम, ठीक है। और ये वाली दाल चना, वो तकरीबन 4 दिरहम, 4 दिरहम का, ठीक हो गया। ये तकरीबन बना 300, 300 बनता है, ठीक हो गया। और ये चना किस तरह है? लोबिया किस तरह है? लोबिया 7 रुपए, 7 दिरहम, ठीक है। लोबिया मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा, मुझे जो फील हो रहा है, कुछ चीजें इधर महंगी है, पाकिस्तान सस्ती है, कुछ उधर से ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, ये दाल बड़ी सस्ती है जनाब इधर, ठीक है। 1 kg आपको तकरीबन मिलेगी 6 दिरहम का मिलेगा, ठीक हो गया। चने आ गए, चने। अच्छा, चने को छोड़ें, ये मेरे मर्जी की चीजें थोड़ी आ रही हैं। चावल की खास तौर पे बात करेंगे, ये चावल किधर से है और इसकी ये किस तरह है? ये 7 रुपए kg है। 7 रुपए kg, यानी ये कितने का, कितने का बना? पाकिस्तानी कितने रुपए हुए जी? पाकिस्तानी तकरीबन 400-500 के राउंड अबाउट हुआ, ठीक हो गया। पाकिस्तान से महंगा, ठीक है। नहीं, इतने का उधर भी अच्छा है, इस क्वालिटी का चावल। ये आप चावल की क्वालिटी चेक करें, इस क्वालिटी का चावल मैं समझता हूँ उधर भी इतना ही होगा। खान साहब, ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आया। इंडिया से आया। अच्छा, अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है, और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, इंडिया से आ रहा चावल, उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे फसल ज्यादा हो रही होगी, वहाँ पे उनका बादाम पड़े हैं। ये 26 रुपए kg है, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं। ये 26 रुपए kg, ये बने तक, हाँ, 26 दिरहम के 1 किलो, ये बने 8-8-16 और हाँ 2000 राउंड अबाउट, पाकिस्तानी 2000, ये भी मुनासिब है, मुनासिब सही है मेरे साथ। और ये साथ काजू है? काजू है जी, ये 29 रुपए kg, ठीक है। आप 30 ही लगा लें, 8-8-16 और 8-24, हाँ जी, ठीक है। 2400 का आपको ये काजू मिलेगा किलो। अच्छा, आप लोगों ने बताना है, आपके वहाँ पे ये सारी चीजें आपने रेट जरूर बताना है कि वहाँ पे ये सेम चीजें कितने रुपए केजी आपको मिल रही हैं। ये करोड़ पड़ा है, 28 रुपए kg, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत से लोग पाकिस्तान का, तो मुझे पता है कि जब पाकिस्तान वापस जाते हैं यूएई से विजिट करके, तो शॉपिंग में आपको बड़ी कैंडीज मिलेंगी देखने को, कि भाई ओ हो अबू धाबी से, ओ हो यूएई से कैंडीज आई हैं। वो कैंडीज यहाँ पे कितने की मिलती हैं, ये आपको आज देखने को मिलेगी। ये कितने की है? और ये केजी है? केजी मिलेगी, 15 रुपए केजी है, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ ये अपना 1200 रुपए की आपको 1 किलो मिल जाती है, जैसे बड़ी बात है। और ये पूरी पूरी फैमिली में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपको ऐसा लगेगा ओहो भाई तो बड़ा कुछ ले आए हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं? ईरान। ईरान से हैं। ईरान में आप सबसे पहले बताइएगा, सब्जियों की कीमतें, चावल की कीमतें, ड्राई फ्रूट की कीमत ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा? ठीक है, पूरे ऑफर है वहाँ पे। इधर सस्ता है? इधर सस्ता है? हाँ, इधर सस्ता है, पूरे पूरे मार्केट मुसाफा में सस्ता इधर ही है, ठीक हो गया। सब्जी, चावल, हर चीज में सबसे सस्ता इधर ही है दुकान में। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, मतलब ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे ये चीजें। अच्छा, आगे ये जो एरिया आया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको ग्रोसरी मिलेगी यहाँ पे आपको। ये क्या है जी? ये लोबिया है। लोबिया, इसको ना जिस इमरजेंसी जल्दी पकाने के लिए, ये हाफ बॉइल टाइप कुछ होता है, हाफ बॉइल होता है। और इसे केचप, केचप है, 2 दिरहम का, 3 दिरहम का, 3 दिरहम का। ये टमाटो केचप है, और ये 17 दिरहम का है, ठीक है। ये पूरा 5 kg होगा, 5 kg 17 दिरहम का। मैं ये समझता हूँ इधर हर चीज मुनासिब है, ऐसा भी कोई कर सकता है। ये बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से आप बल्क में चीजें ले जाके वहाँ अपने इंडिया, अपने पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री से, जहाँ पे ये चीजें महंगी हैं, आप ये चीजें सेल कर सकते हैं। वैसे तो बिजनेसमैन ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर ये आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, ये चीजें पाकिस्तान में बहुत महंगी मिल रही है, ये खास तौर पर अगर हम चूल्हे की बात करें। ये देखें जी, ये कंपनी की है। अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा ये दिखा दें, इसकी कीमत बताएं, इसकी क्या कीमत? शीशे वाला, इस शीशे वाला, ठीक है, इस शीशे वाला सब ये दिखाइएगा हमें, बहुत अच्छा ये है। अच्छा लेकिन एक चीज और भी है ना, अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ से पाकिस्तान लेके जाना हो तो हमें तो उसकी ड्यूटी बहुत पड़ेगी, उसका टैक्स थोड़ा पड़ेगा। अच्छा अच्छा जबरदस्त जी, क्वालिटी चेक करें। अच्छा बहुत महंगा, ये कितने का? ये 8,000 का है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी 8,000, और वैसे इधर का तकरीबन 100 का, 109 के राउंड अबाउट दिरहम का, ठीक है, बड़ा मुनासिब है। पाकिस्तान में मैं ये चूल्हा आपको बता दूं, कम से कम आपको 18-19-20 के राउंड अबाउट का मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, ये पीछे क्या है ये चीज? पिज्जा पुज्जा बनाने के लिए, ये दोनों मच्छर मच्छी फ्राई करेगा, ठीक है, दोनों तरफ ठीक हो गया। ये खोल के दिखाएंगे आप दोनों तरफ, देखो। अच्छा फिश फ्राई करने के लिए, नीचे लग जाता है, नीचे नहीं लगेगा। और ये कितने का? प्राइस बहुत कम थी, प्राइस क्या है इसकी? 39, यानी 40 दिरहम का राउंड बाउट, 39-40 के राउंड बाउट है। और ये देखें, यहाँ पे आप बर्तन देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत बर्तन है जी ये, और कीमत इसकी 29। लेकिन ये अकेला नहीं होगा, ये सेट होगा, अकेला होगा, उसका अलग अलग, 5-5 दिरहम का वो अलग है, ठीक है, 5-5 दिरहम वो अलग, ठीक हो गया। बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे अगर फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे चीजों की जो कीमतें हैं वो कम है। उसके अलावा अगर ये हमने चूल्हा वगैरह, मतलब ये किचन के हवाले से बात करें, तो ये भी चीजें मुझे पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ती लगी हैं। लेकिन एक चीज मैं नोट की है कि शायद ये जिस एरिया में, UAE अबू धाबी के जिस एरिया में हम मौजूद है, शायद यहाँ पे सस्ती होगी, यहाँ पे कोई मुनासिब होगा। सबसे ये दरअसल लेबर क्लास वाला एरिया है, यहाँ पे जो उनसे लेबर, पूरी दुनिया से यहाँ पे लेबर आती है, उस एरिया में ये मार्केट मौजूद है। तो जिसने ये बनाई है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई जैसे वो लेबर के लिए वर्क कर रहा है, थोड़ा सा रायत दे रहा है। इधर तो एक एक दिरहम के लिए, मैंने यहाँ पे 8-9 दिन हो चुके हैं मैं मौजूद हूँ, एक एक दिरहम के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जो सा वो सारा दिन कोशिश करते हैं जी। तो इस टाइम हम मौजूद हैं इस स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में, और मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं, या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है। जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पर लिखा है मेड इन इंडिया, और इसकी कीमत है तकरीबन 10 दिरहम, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया, और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि अगर हम ये वाटिका, इसकी कीमत है तकरीबन 7.5 दिरहम, और इसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा है। और आपके वहां पे जरूर जो भी कीमत होगी आप बताइएगा। आगे चलते हैं जी, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये समझता हूँ साबुन हो, शैम्पू हो, या फिर इसके अलावा आप दूसरी क्रीम वगैरह की अगर बात करें, ये देखें जी, ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया, और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है? ये 30 दिरहम का क्या? 30 दिरहम पैकेट, पूरा पैकेट, ठीक है। इसमें कितने? 12 पीस है, 30 दिरहम का, ठीक हो गया। अच्छा है जी, अच्छा ये चीज मैं नोट की, जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर इंडिया से क्यों है, मतलब पाकिस्तान से क्यों नहीं? सब्जियां ये दूसरी चीजें आती हैं, ये प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो पाकिस्तान, क्या वजह उसकी हम बना नहीं रहे, या फिर क्या महंगी हमें पड़ती है, खुद ही महंगी पड़ती है, फैक्ट्री एरिया बहुत, बिजली बहुत महंगी है, ये चीजें वो मेन मसला ये हमारे मेन पॉइंट है बिजली, यानी कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो रही, ऐसे ही है, ठीक हो गया। और ये एक यहाँ पे हिमालय, इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था, ये हिमालय ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन UAE, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला, ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है। 13 दिरहम, 13 दिरहम है, ठीक है। और इसमें पैकेट कितने पीसेस हैं? 12 पीस, ठीक हो गया, 12 पीस। चलें जी, बड़ी जबरदस्त चीज है, मार्केट की खास तौर पे बात करें, पैकिंग बड़ी खूबसूरत किस्म की गई है, कीमतें मैं तो ये चीजें इस तरीके से खुद नहीं खरीदता, लेकिन वहां पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा, और इंडिया में जो इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा। ये वैसलीन यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर देखते हैं इसकी कीमत क्या? 14 दिरहम, और ये है जी वैसलीन, इसके ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये ब्रांड कहाँ का है ये आप जरूर बताइएगा, और आपके वहां पे यही वैसलीन कितने की है ये भी बताइएगा। आज की वीडियो, हाँ ये क्या? फेस वाश 8 दिरहम का, और ये भी डेफिनेटली ये ठीक हो गया,
इसका भी नहीं पता ये किधर का है किधर का नहीं, लेकिन ये वीडियो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो फूड की, यहाँ पे कॉस्मेटिक की, सब्जियों की, दालों की और जो भी कीमतें थी वो मैंने आपको बताई, आपने मुझे बताना है वहां पे क्या कीमतें हैं। अच्छा, लास्ट में भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि एक ऐसा कंट्री, ये एक यूएई की अगर बात करें, ये ऐसी यहाँ पे स्टेट्स हैं कि कोई भी चीज, मोस्टली गाड़ियां हो, यहाँ की जो है वो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट हो, इवन सब्जियां तक हो, मैं समझता हूँ बाहर दूसरे कंट्री से आ रही है, दूसरे कंट्री से आ रही है और लोग भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाए आप, इधर इसके सामने आ रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स भी दूसरे कंट्री की, खरीदने वाले भी दूसरे कंट्री के, लेकिन पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे यहाँ के लोग। उसकी वजह मेरे ख्याल से है कि मैनेजमेंट, इन लोगों ने मैनेज बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया इनका यूए का, बहुत अच्छा हर तरफ जो उनसे प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखी गई है। इधर से हमें चीजें सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान के लोग हों या दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग हों, कि हम अपनी कंट्री को भी अगर प्रॉपर मैनेज करें, हमारी पॉलिसीज बेहतर हों, रूल एंड रेगुलेशन हो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। हम 1947 में जो जैसे हम इधर फॉलो करते हैं, उधर भी करे थे, हर चीज हो सकता है, लेकिन उधर जाके हम अपनी बदमाशी हर चीज करते हैं। नहीं जी, हम तो चौधरी हैं, हम तो ये हैं, वो है, ये चीजें हैं। अभी हम मार्केट में शॉपिंग के लिए मौजूद थे, एक और भाई हमें मिले, इनका नाम पूछते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें पूछते हैं। ये हम, मुझे देखा और बोला कि मैं आपको जानता हूँ, वीडियो देखता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बढ़िया, सद्दाम हुसैन है। ठीक है, तो कहाँ से हैं आप? इंडिया से हैं। इंडिया से जी। अभी मार्केट में आप मुझे देख रहे थे, हम अभी आपको देख के इधर पहचान गए की अरे हम तो आपके YouTube में देखते थे। तो वैसे नहीं देख सकते? जी देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप, इंडिया से यहाँ पे आए, कितना टाइम हुआ? मेरे को 8 साल हो गए इधर। 8 साल हो गए हैं। जॉब जो कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं? जॉब हमारा पॉलिशिंग का है। पॉलिशिंग का है, तो इंडियन ही सभी मिलके कर रहे होंगे या नहीं? पाकिस्तान का भी है। अच्छा, पठान है हमारा, हम एक साथ काम करते हैं, भाई पीछे जो खड़े हैं। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे सभी मिलके काम कर रहे हैं, जिससे भी पूछ लें। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है लाजवर खान। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। किस एरिया से, किस सिटी से? कराची से। कराची से, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे सभी मिलके रह रहे हैं, कोई नहीं कहता कि हम। तो मेरा तकरीबन 5-6 साल हो गया एक साथ ही रह रहे यार। कभी लड़ाई कभी झगड़ा कुछ नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं, एक साथ मिलजुल के रहते, लेकिन हमारे मुझे ऐसा पठान आदमी कभी नहीं मिला। अच्छा? बहुत ही अच्छा लड़का है। नहीं नहीं भाई, पठान जोन से है, वैसे तो हम ये पठान पंजाबी बलोचिन चीजों से आगे निकलना चाहिए, लेकिन पठान पाकिस्तान की शान है। जी जी। आप जो हमें पता है ना, जज्बाती होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, मैं माइंड ना करना, लेकिन आपके है गुस्सा तो आता है कि नहीं? नहीं यार, कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा ऐसा नहीं किया कि भाई जो भी है दिल में खुल के बोलता है। हाँ, ये इसी को ये कहते हैं ना, स्टेट फॉर्म आगे पीठ पीछे बात करे ऐसा नहीं है, जो भी है वो खुल के बोल देता है, मुझे बुरा लगे चाहे कुछ लगे, वही बात उसको मुझे अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, इधर शॉपिंग करने आप आते हैं क्या? थोड़ा सा इधर आए, ये देखिए, ये सारी चीजें मैं भी देख रहा था, ये चावल सारे इंडिया से आए हुए हैं। जी जी। क्या समझते हैं, यही चीजें यहाँ पे भी मिल रही हैं इंडिया की, लोग भी इंडिया वाले खरीद रहे हैं, यानी दूसरे कंट्री से आके खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, मतलब जॉब के हवाले से कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? आपकी सैलरी कितनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, सैलरी तो उतना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 है। हाँ, नहीं फिर भी ठीक है अभी स्टार्ट में, और ऐसा ऐसा जब आप स्किल, आप जब यहाँ पे आए थे स्किल्स थी आपके पास? स्किल अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी तो है, लेकिन जब आए थे किस वीजे पे? अच्छा, हम वही सेम वीजे पे आए थे, गाड़ी के काम में। ठीक है, लेकिन उस टाइम उतना तनख्वाह नहीं था, उस टाइम था 1200 तक था। ठीक है, जो भी लोग स्किल होगी, एजुकेशन होगी, उस बेस पे किसी भी कंट्री में जाएंगे, वो वहां पे कामयाब होंगे, जॉब भी मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। जब आप वक्ती तौर पे सोचते हो एक दफा यूएई चले जाएं, बस दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, शारजा चले जाएं, उधर जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे, इधर आके बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ता है। जी जी, ऐसा है कि नहीं? जी जी, पहले पहले जब हम आए थे तो क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ से कैसे रहे जी, लेकिन घर वालों को नहीं आप बताते हो? नहीं नहीं नहीं, घर वाले को ऐसे नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जी हम क्यों बताएं, अपना तकलीफ बता के उनको क्यों मजीद परेशान? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे गपशप लगा के अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोग मिलके बड़ा खूबसूरती के साथ रह रहे हैं, और यही चीजें पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई कंट्री हो, ये चीजें हमें वहाँ पे भी मिलजुल के रहना चाहिए, इंसानियत आपको दिखाना चाहिए। मजहब को लेके, ये सब को लेके ऐसे फायदा नहीं है, ये सब करके हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक मुस्लिम बात कर रहा है, इंडिया का मुस्लिम बात कर रहा है, वहाँ पे सभी हिंदू है, हमारी तरफ सभी हिंदू, हम मिलजुल के रहते हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब मिलजुल के रहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी विलेज है जो इंडिया में, कितने घर मुसलमानों के, कितने हिंदुओं के? ज्यादातर हिंदू तो कोई हिंदुओं के हैं, तो सभी मिलके रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ बैठे खाना भी खाते हैं हम। जबरदस्त हो गया जी,
यही चीजें हमें होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, कोई फायदा नहीं। अच्छा लगा बात करके, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बनाए, गले मिलते हैं जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। खैर, अच्छा लगा ये वीडियो करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन कीमतों के हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये जो हमारा एक भरम था ना, भरम तो खैर अब हमें तो पता है हकीकत में कि पाकिस्तानी राइस जो चावल है वो कितने दुनिया में जाते हैं, वो हमें तो सारा पता है। ऐसी बात काल के परसों ने एक वीडियो असलम भाई की थी, आलोक सर की, जिसमें आलोक सर ने बताया था कि दुनिया में सबसे नंबर वन जो एक्सपोर्टर चावल का ना वो इंडिया है। पाकिस्तान क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का चावल जो है पूरी दुनिया में, अब आपका मुस्लिम कंट्री है यूएई, वैसे उनमें भी आपका चावल नहीं चलता, वो भी इंडियन चल रहा है। पता नहीं इसका क्या वजह है, मतलब कि नहीं, मैं ये देखे ना कि मैंने एक इलाके में गया था तो वहां पर भाई बता रहे थे, वहां पर ज्यादातर जो गंदम और जो ये चावल की फसल काश्त होती थी, तो वो कह रहे थे जो अच्छी क्वालिटी का जो चावल होता है ना, ये दूसरी कंट्री को पाकिस्तान सेल करता है। अब जारी बात है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, जरिए रकबा तो किसी ना किसी कंट्री को तो करते ही होंगे, तो यूरोप को जाते हैं, यूरोप को। अब देखने के इंडिया का भी तो यूरोप को जाता ही होगा, लेकिन ये मुझे भी शौक करने वाली बात है कि यूएई जैसी कंट्री जो साथ करीब भी है, वहां पर नहीं जा रहा तो यूरोप में कैसे जाएगा। भाई मैं खुद मलेशिया में रहा हूँ, वहां पे आटा चावल उसके बाद ऑयल उसके बाद प्याज लहसुन अदरक ये सारी जो चीजें थी ना ये इंडिया से। या वो उसका उसकी उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि मलेशिया को जो इंडिया है वो करीब पड़ता है, और मलेशिया में कोई चीज आप बता रहे, मतलब कि पाकिस्तान से तो नजदीक ही है ना, पाकिस्तान को आगे इंडिया क्रॉस, यार चाइना के प्रोडक्ट्स जाती है, 5 घंटे की फ्लाइट है पाकिस्तान से, 5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ तो फ्लाइट से ना ये सामान आता है, ये तो शिप्स के जरिए आता है ना। अच्छा आपने ही बताया, मेरे आप तो कह रहे थे करीब है, और यार इंडिया करीब है, इंडिया की मैंने बात की कि इंडिया मलेशिया के करीब है। हाँ वो मतलब हमसे उनके पास करीब है। अच्छा यार ये भी कंफ्यूज है, मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है, इसका कहने का मकसद ये है। अच्छा कंफ्यूज है, क्लियर करते कोई नहीं हो, कंफ्यूज ये है कि ये कह रहा है, ये चाह रहा है कि इंडिया करीब है, उस पर ड्यूटी टैक्स कम पड़ता है क्योंकि सफर थोड़ा होता है, शिप के जरिए सामान जाता है, इंडिया से जो सामान मलेशिया पहुंचेगा वो सस्ते दाम हो जाएगा। आपने बताया था कि वहां पर कोई चीज मतलब समझ आई आप जो है ना, ये बात करना चाहता हूं, उगती नहीं है, आपने कहा मतलब पैदा नहीं होती वो, आपने आपने कहा मलेशिया में वहां की जमीन जो है ना वो नहीं सही, कि पानी का बताया था कोई इशू है वहां पर, तो जारी बात है वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स ही वहां पर सेल हो रही है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल सभी में ना मतलब इंडिया की जो ये ट्रेड है ना तिजारत, ये सभी कंट्री के साथ हो रही है, ज्यादातर ये एशिया में पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान किस पे रोक रहा है कि भाई हमारे हम बहुत बड़े गंदम के एक्सपोर्टर भी हैं, चावल के एक्सपोर्टर हैं, वो किधर भेजते हैं? नहीं थे श्रीलंका को थे किसी दौर में थे, बिल्कुल आप खुद भूखे हो गए। अच्छा अब प्राइस पर बात आती है भाई, मैंने जो सच सच बोलू ना, जो मैंने प्राइस में चेक की अंडियों अंडों की ऑयल की जो भी चीजें, अंडों की यार प्राइस होते मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी है पाकिस्तान में यही रेट है भाई 13-14 साल यार, 6 अंडे जो है कितने दिरहम के, 14 दिरहम के, 16 छह नहीं है ते, भाई 30 थे पूरी ट्रे की बात की उसने, ट्रे में 6 थे, 30 थे यार, मुझे लगा कि 6 थे। उस हिसाब से ना पाकिस्तानी अंडा आजकल 40 रुपए का मिलता है, 40-50 में पाकिस्तान में 35 रुपए का मैं तो मैंने दिया पता नहीं कहां से, आप तो 20 का कोई चीज नहीं था। अच्छा ये बाजार से इस तरह होने सामने उनकी शॉप है, आपने पूछा ना कहां से लिया है इसके, बताया तो 40-50 रुपए का चल रहा है पाकिस्तान के अंदर जो अंडा, देसी भी है ना वो 45-40 का मिल जाता है, यही रेट उधर भी है भाई, कोई इतनी खास चीजें डिफरेंस तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है। लेकिन वहां पे भाई अगर आपकी एक जो कह रहे हैं दिहाड़ी है जिसको हम पंजाबी में दिहाड़ी बोलते हैं, अगर वो आपकी ठीक ठाक है तो उधर महसूस नहीं होता, उधर महसूस नहीं होता अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो ना, उधर नहीं महसूस होता। अगर यहाँ पे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, इस वजह से जब इंटरव्यू कर रहा था तो उसने बोला खान साहब पठान, तो मुझे लगा ये ना पाकिस्तानी होगा ओनर जो इसका होगा, वो ईरान से, तो वो ईरान ही निकला यार। प्राइस जो ना इंडिया के जो चीजें ना वो काफी सस्ती पड़ती है, अगर ये चीजें जो भाई शुएब ने दिखाई है मतलब सारी चीजें उसमें सेब भी किन्नू भी अंडे भी आयल दिखाया है, अगर ओवरऑल वन बाय वन की बजाय ओवरऑल बात करना, इतना कोई खास डिफरेंस मैंने महसूस नहीं किया।
आयल इधर भी जो है ना 500-600 रुपए का मिलता है आयल का 1 kg जो है, उधर भी यही सीन ही है, सिर्फ करेंसी का डिफरेंस थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ अगर उधर 200-300 होता पक्के रुपये के फिर हम कहते हैं बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतना मैंने कोई खास डिफरेंस नहीं देखा। और कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडियन ब्रांड्स चल रहे हैं, वो उन्होंने दिखा है इंडिया से चीज़ें आ रही है, राइस आ रहा है, खाने पीने की और दूसरी चीज़ें हैं जो इंडिया से आ रही है। आप खुद क्या पैदा करते हैं यूएई? कुछ नहीं, तेल के लिए नहीं, आयल है उनका, वो आयल है, वो क्या कहते हैं दूसरा क्रूड आयल है, पेट्रोल डीजल वगैरह वो चीज़ें कुदरती तौर पर उसकी निकली हुई है, लेकिन आप तो कोई ना उनकी तो कोई जरिए चीज़ें तो नहीं है, तो वो सारी इंडिया से ही लेता है, दूसरी कंट्री से या सिर्फ इंडिया से और दूसरी कंट्री से लेता हूँ। लेकिन भाई ओवरऑल मैंने कोई इतना खास डिफरेंस नहीं देखा, मैं वीडियो के शुरू में जो मेरा जेन था ना तो बहुत फर्क होगा, उधर चीज़ें सस्ती पर होगी, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो चीज़ें वो है जो इधर से टैक्स पे करके उधर पहुंची, पाकिस्तान के अंदर टैक्स लगता है, पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स है ना, फर्क मैंने कोई चीज़ दुकान से ली है कम टैक्स लगा है, लेकिन अगर इधर से चीज जाती है चल कर दुबई या कहीं और चल जाती है तो उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स होते हैं, सेल टैक्स होते हैं, तो टैक्स लगा अगर महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन एक चीज ये है कि उधर सस्ती पड़ी है, इसलिए सस्ती मुझे नजर आई, क्योंकि अगर टैक्स ऐड करें ना तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। टैक्स को छोड़े और मैं जो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि जो इंडिया की देखने की हर जगह पर इंडिया प्रोडक्ट्स, हर जगह पर इंडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, चाहे मशीनरी की बात करें, चाहे खाने पीने की, चाहे लिबास कपड़ा, हर चीज इंडिया की तकरीबन ओवरऑल वर्ल्ड में चल रही है। देखने के जो ये कंट्री है अपना यार, वो क्या उनका नाम है, वो बड़े आजम नाम बाहर से नहीं आ रहा, वो काले जहाँ पर रहते हैं, अफ्रीका काले, अफ्रीका, अफ्रीका में भी तकरीबन 16% जो है ना ट्रेड करता है इंडिया, तो इसी तरह ओवरऑल वर्ल्ड में हर चीज इंडिया के बगैर दुनिया का जो है ना जहन जीना, यानी कि कभी तो इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड इंडिया कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड इंडिया। शानदार वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।